कक्षा 12 विषय गणित क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। फॉर मोर डिटेल लेट अस मूव टुवर्ड्स द नोटपैड और आज कुछ नया सीखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है वेक्टर एलजेब्रा से, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसका मैं डायरेक्शन वेक्टर दिया है 5i-j+2k। विच मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, परिमाण अर्थात जिसका मैग्नीट्यूड 8 इकाई है अर्थात 8 यूनिट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दो बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 5i-j+2k, इसका हम मोड निकाल लेते हैं, आई जे के कोफिशियंट का स्क्वायर करते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 5, इसका कोफिशियंट है 5, और इस अगले दूसरे वाले का कोफिशियंट है -1 -1 + k का कोफिशियंट है 2। 2 30 वेक्टर ए, इसलिए वेक्टर ए के डायरेक्शन में मैं हिंदी में लिख लेता हूँ यूनिट वेक्टर, यूनिट मात्रक सदिश वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, मॉड ए। तो इसलिए वेक्टर अनुदिश, अनुदिश एट यूनिट वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, 8 × बाकी फॉर्मूला इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 8 × वेक्टर ए अपॉन मोड ए, सॉरी ये भी यहाँ पे भी वेक्टर लगेगा और इसमें भी वेक्टर लगेगा। अब वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं, इसका ये इस तरीके से √3 × अभी वेक्टर को ले लेंगे, वेक्टर हमें दे रखा है ये है प्रश्न के अनुसार, अक्षर थोड़े हल्के हैं, 5i-j+2k, यानी सबके कोफिशियंट में 5 upon √30 8 × 8 इसका √30 ये हो जाएगा जी। इस तरीके से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।